नमस्कार दोस्तों दोस्तों PCS Academy में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग GS मेंस पेपर सेकंड का लेक्चर देखेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, विकास हुए हैं और जो जो योजनाएं चलाई गई हैं, स्कीम्स चलाई गई हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आयोग, बोर्ड, संगठन जितने भी हैं तो उन सारी चीज़ों को बारे में देखेंगे। और दोस्तों इसमें लगभग इस PDF में 45 पेजेस हैं, तो आपको 3 लेक्चर में यह पूरा का पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। 15-15 पेजेस करके हम लोग 3 पार्ट में इस पूरे के पूरे टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 15 पेजेस पहले पार्ट में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले बात देखते हैं कि देखिए शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधन, तो यह आपका टॉपिक है। शिक्षा से संबंधित भारत में कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं तो इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। शिक्षा की जहां तक बात करते हैं तो देखिए 1976 से पूर्व जो है राज्यों का उत्तरदायित्व था शिक्षा का। ठीक है, संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से शिक्षा को संवर्ती सूची में डाला गया था। संवर्ती सूची में इसलिए भी डाला गया था क्योंकि देखिए शिक्षा पर केंद्र सरकार भी कानून बना सके और राज्य सरकार भी कानून बना सके। बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2009 से लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति प्रस्तावित है जो कि अभी वर्तमान में आ चुकी है। ठीक है, उसको भी हम लोगों ने करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं और 2019 में लागू होगी जो कि अभी 20 में हो गई है, 20 में आपकी स्वीकृत कर ली गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्टार्टिंग से बात करते हैं, कहां से किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है तो उन सारी चीज़ों के बारे में बात करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति केंद्र सरकार के नेतृत्व में शैक्षिक नीति एवं कार्यक्रम बनाने और उसके क्रियान्वयन के अंतर्गत 1986 में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी। कार्यवाही कार्यक्रम इसमें शामिल था जिसे 1992 में अद्यतन किया गया, इसमें अपडेशन किया गया, संशोधन किया गया। संशोधन नीति में एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली करने का प्रावधान था जिसके अंतर्गत की जो शिक्षा में एक रूपता लाने, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने में सहायता मिल सके, सभी को शिक्षा सुलभ कराने, बुनियादी जो शिक्षा है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने और बालिका शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए देश के प्रत्येक ज़िले में नवोदय विद्यालय जैसे आधुनिक विद्यालयों की स्थापना करने का लक्ष्य बनाया गया था और ये चीज़ें बनाई भी गई देश में। माध्यमिक शिक्षा को इन्होंने क्या किया कि एक व्यवसाय परक शिक्षा बनाने का कार्य किया। उस उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जानकारी देने और अंतर अनुशासनात्मक अनुसंधान करने, राज्यों में नए मुक्त विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई। अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद को सुदृढ़ करने तथा खेलकूद, शारीरिक शिक्षा और एक सक्षम मूल्यांकन प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास भी इसमें शामिल किया गया। ठीक है, अब देखिए एक बोर्ड है, केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड, तो केंद्रीय शिक्षा परामर्शदाता बोर्ड जिसे CAB कहा जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, आपका जो केंद्रीय और राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए गठित किया गया था, सर्वोच्च संस्था है। इसका गठन 1920 में किया गया था और 1923 में व्यय की कमी लाने के लिए आने की वजह से इसे भंग कर दिया गया। सन 1935 में इसे पुनर्गठित किया गया और यह बोर्ड 1994 तक यह अस्तित्व में रहा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसे 92 में संशोधित किया गया था और इसे यह प्रावधान किया गया था कि शैक्षिक जो व्यक्ति हैं उनकी समीक्षा करने, व्यवस्था और कार्यक्रमों पर नज़र रखने के लिए आवश्यक परिवर्तनों का निर्धारण करने में जो आपका CAB है उसका महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अब देखिए अगली चीज़ क्या, सरकार ने जुलाई 2004 में CAB की का पुनर्गठन किया और पुनर्गठित करने के बाद इसकी पहली बैठक जो हुई 10 एवं 11 अगस्त 2004 को आयोजित की गई। अब इसके विभिन्न विषयों के विद्वानों के अलावा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यगण, केंद्र, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों के प्रतिनिधि इस बोर्ड के सदस्य होते हैं। तो यह स्ट्रक्चर बताया गया है। अगली चीज़ क्या है, शिक्षा का अधिकार। देखिए यूनेस्को की शिक्षा के लिए वैश्विक मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2010 के अनुसार लगभग 135 देशों ने अपने संविधान में शिक्षा को अनिवार्य रूप कर दिया और भारत ने 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने के लिए
संविधान में प्रतिबद्धता का प्रावधान किया था और इसी के लिए अनुच्छेद 45 के अंतर्गत राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इसे शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए 12 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संविधान संशोधन लाया गया। इसके द्वारा अनुच्छेद 21 ए को संशोधित करके शिक्षा को अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। अब देखिए एनसीटीई के बारे में बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसको एनसीटीई कहा जाता है। इसकी स्थापना अगस्त 1995 में इस लक्ष्य के साथ में की गई थी कि पूरे देश में शिक्षा प्रणाली की नियोजित एवं समन्वित एक विचारधारा अपनाए जाने के साथ साथ जरूरी नियम बनाने और शिक्षा के मानकों स्तरों में इनका उचित संरक्षण किया गया जा सके। ठीक है, तो ये बातें कही गई हैं। अब जैसे देखिए प्रमुख संस्कृत संस्थान भी हमारे यहाँ बनाए गए, जैसे महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यालय विद्यापीठ तिरुपति, और परिषद की 4 क्षेत्रीय समितियां हैं जयपुर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल में गठित की गई, क्रमशः उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र के लिए। अब देखिए प्रारंभिक शिक्षा की जहां तक बात करते हैं, तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो 2001 में 1.028 अरब थी, वहीं 2011 में 1.21 अरब हो गई। सभी के लिए बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य संविधान में निहित है, जो कि 6 से 14 आयु के बच्चों के सभी बच्चों को सार्वभौमिक और अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी प्रदान करता है। अब देखिए अगली चीज़ क्या है, पिछले कुछ 6 दशकों की लगातार कुछ जो नीतियां हैं, शिक्षा की नीतियां हैं, योजनाएं हैं, इन्होंने इसी लक्ष्य के लिए काम किया है। परिणाम स्वरूप शिक्षा के क्षेत्र में खासकर प्रारंभिक शिक्षा से महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अब देखिए अगला चीज़ है सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 ए और बाद में बना कानून बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है, और RTE जिसको कहा जाता है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, अब 2009 में इसे लागू किया, 2 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था, पारित हुआ था आपका 2009 में और लागू किया गया 2010 में। बच्चों की शिक्षा संबंधित बहुत ही अच्छा अधिनियम माना जाता है। इस अधिनियम के आने वाले वर्षों में प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में दूरगामी परिणाम देखे जा सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि हर बच्चे को कुछ प्रतिमानों और मानकों पर खरे उतरने वाले औपचारिक स्कूल में संतोषजनक और न्याय संगत गुणवत्तायुक्त प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मिले। 2001 में शुरू की गई सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभी के कारण भारत के सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक माना जाता है। बहुत ही अच्छा अभियान है आपका। अगला जो आपका योजना है वो है आपकी महिला समाख्या कार्यक्रम। महिला समाख्या कार्यक्रम में क्या है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा उनके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य क्या था, समानता हासिल करने के लिए महिलाओं को शिक्षित करना। महिला समाख्या सरकार की मुख्य योजना है जो महिलाओं एवं लड़कियों को शिक्षा हासिल करने के उनके अलग अलग जो आजीविका के लिए संघर्ष, आत्मविश्वास की कमी, दमनकारी सामाजिक कुरीतियाँ आदि की ओर ध्यान देती है। इनसे कोई दिक्कत ना हो और लड़कियों का सशक्तिकरण किया जा सके, महिलाओं का सशक्तिकरण किया जा सके, उसी के लिए अब जैसे देखिए ये जो कार्यक्रम है इनको आप अपने मेंस के आंसर में भी ऐड कर सकते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी शिक्षा संबंधी चीज़ें आती हैं, विकास से संबंधित कि भारत में शिक्षा के लिए कौन कौन से कार्यक्रम और योजनाएँ चलाई जा रही, तो उनमें आप लोग ऐड कर सकते हैं इन चीज़ों को। अगली चीज़ क्या है, NPGEL कार्यक्रम। प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में लागू की जाती है, उन बालिकाओं की समस्याओं की आवश्यकताओं पर ध्यान देती है जो स्कूल में भर्ती हैं लेकिन वहां जाती नहीं हैं। तो इसी के लिए आपकी यह योजना लाई गई थी, 442 जिलों को शैक्षिक रूप से पिछड़े 3,353 ब्लॉकों की और 4.12 करोड़ लड़कियों को इसमें शामिल किया गया है। इसके तहत क्या है,
41,779 आदर्श समूह स्कूल चल रहे हैं। समूह स्तर पर एक स्कूल को स्रोत जो है केंद्र के रूप में विकसित किया जाता है। अब इसमें देखिए, जैसे पठन सामग्री है, पुस्तकें हैं, उपकरण खेल है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है, अध्यापक प्रशिक्षण है, आत्मरक्षा और जीवन कौशल जैसे अतिरिक्त विषयों पर भी कक्षाएं यहां पर दी जाती हैं, बच्चों को पढ़ाया जाता है। अगली योजना है आपकी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। तो देखिए, जो आपकी KGVV है, वीवी, तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय और BPL परिवार की लड़कियों के लिए आवासीय उच्च प्राथमिक स्कूल है। यह शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों में स्थापित किए जाते हैं जहां स्कूल बहुत दूर हैं, और यह योजना 2007 से सर्व शिक्षा अभियान में मिला दी गई है। तो ये कुछ बातें हैं इससे संबंधित। अब अगली योजना है मध्याह्न भोजन योजना। देखिए, मध्याह्न भोजन योजना में सरकारी और सरकारी सहायता प्रदान स्थानीय निकायों, राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना स्कूलों, आपके EGS और AIE और सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित मदरसों आदि में पहली से आठवीं तक की पढ़ाई इसमें करवाई जाती है इस योजना के अंतर्गत। अब देखिए, इस योजना में न केवल शिक्षा तक पहुंच बल्कि सामाजिक और लैंगिक समानता, स्कूलों में भागीदारी, बच्चों के लिए समग्र स्वास्थ्य सुधार में मदद मिलती है। ठीक है, अब यह कार्यक्रम जो है 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। ध्यान रखिएगा, मिड डे मील योजना, इसको मध्याह्न भोजना भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित चीज़ों को देख लेते हैं कि माध्यमिक शिक्षा से संबंधित चीज़ें कौन कौन सी हैं। जैसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो यह माध्यमिक शिक्षा तक पहुंच और गुणवत्ता में सुधार हेतु इसके उद्देश्य से यह भोजन यह योजना जो है मार्च 2009 में शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य किसी बस्ती से तर्क संगत दूरी के आधार पर माध्यमिक स्कूल प्रदान कर माध्यमिक स्तर पर नामांकन दर को 100% करने की परिकल्पना की गई है। इसके अन्य उद्देश्यों में सभी माध्यमिक स्कूलों में निर्धारित मानदंडों का पालन करने वाला बनाकर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को प्रदान की जा रही है। ठीक है, शिक्षा प्रदान की जा रही है। अब देखिए, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक एवं अपंगता अड़चनों को दूर करना, माध्यमिक स्तर की शिक्षा को सर्वसुलभ बनाना और वर्ष 2020 तक सभी बच्चों को स्कूल में भर्ती कराने का लक्ष्य प्राप्त करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। शिक्षा का व्यवसायीकरण की बात करते हैं। देखिए, केंद्र द्वारा आयोजित संशोधित परियोजना में उच्च शिक्षा के व्यवसायीकरण की मुख्य बातें इस प्रकार हैं कि जैसे क्षमता आधारित मानक व्यवसायिक पाठ्यक्रमों से युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाना, बहुप्रवेश, बहुविकास और ज्ञानार्जन अवसरों और योग्यता में गतिशीलता, अंतर परिवर्तनीयता के प्रावधानों से उनकी स्पर्धात्मकता को बनाए रखना, शिक्षित और नियोजनीय के बीच खाई को कम करना कि मतलब शिक्षित व्यक्ति बहुत हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही, तो इन दोनों जितने मात्रा में लोग जो शिक्षित हो रहे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए, अकादमिक उच्च शिक्षा पर दबाव कम करना, तो ये सारी बातें कही गई हैं शिक्षा के व्यवसायीकरण पर। और क्या बातें कही गई? इस योजना के तहत मांग आधारित मानक क्षमता आधारित व्यवसायिक पाठ्यक्रम को की पहचान करना, उद्योग नियोजकों के सहयोग से उनका सुधार करना, उच्चतर माध्यमिक स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के माध्यम से आपके इस पद्धति के अनुरूप से पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना। योजना के महत्वपूर्ण घटकों में जैसे कि नए स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम को लागू करना, वर्तमान स्कूलों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को मजबूत करना और शिक्षार्थी, शिक्षक, प्रशिक्षक को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के क्षमता आधारित शिक्षक ज्ञानार्जन सामग्री, औजार, उपकरण, मशीनरी, तकनीकी कौशल सुधार के लिए स्कूलों को उपलब्ध कराना, व्यावसायिक पाठ्यक्रम और मॉड्यूल्स के प्रमाण पत्र संबंध राज्य बोर्डों, केंद्रीय बोर्डों द्वारा प्रदान करना। तो ये कुछ बातें कही गई हैं। अब अगली चीज़ है, इसी में अगला पॉइंट है, राज्यों, केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा विशेष समूहों तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गरीबी रेखा के नीचे के ये लोग, अल्पसंख्यक और बच्चे
इन समूहों की लड़कियों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जा रहा है। अब लड़कियों के लिए शिक्षा के लिए प्रोत्साहन की गई राष्ट्रीय योजना, तो देखिए लड़कियों की माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोत्साहन योजना मई 2008 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शुरू की गई स्कूल जैसे स्कूल छोड़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी संख्या को कम करना, माध्यमिक स्कूलों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति समुदायों की लड़कियों की संख्या बढ़ाना और योजना के अनुसार अविवाहिता पात्र लड़कियों के नाम पर 3,000 रुपये जो है नियम के तहत जमा खाते में जमा किए जाते हैं, उनके नाम से कर दिए जाते हैं, जिससे वे 18 वर्ष की आयु में 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ब्याज सहित वापस ले सकती हैं, ब्याज सहित अपना पैसा वापस ले सकती हैं। तो ये बातें कुछ चीज़ें कही गई हैं। अब अगला संगठन है आपका केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो देखिए केंद्र सरकार के स्थानांतरण वाले कर्मचारियों के बच्चों को निर्बाध शिक्षा प्रदान करने के लिए नवंबर 1962 से भारत सरकार द्वारा केंद्रीय विद्यालय संगठन योजना की अनुमोदित की गई थी और केंद्रीय विद्यालय में कक्षा एक में दाखिले की बुनियादी कसौटी 7 वर्षों के दौरान अभिभावक की स्थापना करनीयता होती है। छात्राओं के मामले में शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। केंद्रीय विद्यालय के स्टाफ एवं SC ST के छात्रों से शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता है। 30 मार्च 2014 तक इनकी संख्या जो है 10,094 हो गई है, जिनमें से 3 विदेशों में भी खुले हैं, जैसे काठमांडू है, मॉस्को है, तेहरान है। तो ये केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं। अब देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय, तो जवाहर नवोदय विद्यालय से अब हम लोग अगले वाले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज तक यहीं रखते हैं, 15 पेज कंप्लीट कर लिए हैं और ऐसे ही 2 पार्ट और हैं कि उसके बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।